हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रियलमी एक्स के बारे में, जिसकी की सेल आज रात 8 बजे से स्टार्ट हो रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अगर आपको जानना है रेडमी K20 और K20 प्रो के बारे में तो उनके लिए भी मैंने एक एक वीडियो बनाया हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा। अब ये जो हमारा डिवाइस है Realme X, इसके अंदर कुछ चीजें बहुत कमाल की हैं और कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा गड़बड़ वाली हैं। मतलब देखा जाए तो जो हमारा अभी OnePlus 7 Pro आया था, ये डिवाइस उसके जैसा है। कुछ कुछ बढ़िया है, कुछ कुछ गड़बड़ है। एक्चुअल में मुझे समझ में नहीं आता कंपनी ऐसा क्यों करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ फोन में जरूर छोड़ देते हैं। मतलब पहले एक डिवाइस आएगा जिसके अंदर एक कमी होगी, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। अब जो नेक्स्ट डिवाइस आएगा उसका, उसके अंदर वो एक कमी तो ठीक कर देंगे लेकिन कुछ और निकाल लेंगे, तो फिर से कोई गड़बड़ वाली चीज बन जाएगी। एक बार सब कुछ डाल दो ना, ताकि बंदा आराम से मजे से खरीद ले डिवाइस को, लेकिन गड़बड़ तो करनी ही होती है। अब अगर हम बात करें Realme X की पॉजिटिव चीजों के बारे में, तो सबसे पहले आता है उसका डिस्प्ले। 6.53 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, बड़ा डिस्प्ले, और वो भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले अल्ट्रा फुल व्यू डिजाइन में। मतलब डिस्प्ले को आप बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे वीडियोस में, गेम्स में, हर चीज में। सुपर एमोलेड है, ब्राइट होगा डिस्प्ले अच्छे से, और उसके साथ कलर्स आपको बढ़िया मिलेंगे, व्यूइंग एंगल्स एकदम कमाल के मिलेंगे। तो आपने तो एंजॉय कर लेना है डिस्प्ले को मजेदार तरीके से। साथ ही आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा, तो आप फ्यूचरिस्टिक वे से डिवाइस को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये तो बढ़िया चीज होगी कि डिस्प्ले आपको कमाल का मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है इसका रियर कैमरा। रियर में हमें मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, और 48 वाले के अंदर हमें सोनी का IMX586 का ही सेंसर मिलता है, तो आपकी पिक्स बढ़िया आएंगी, अच्छी आएंगी बैक कैमरा से। इसके बाद डिवाइस के अंदर और भी काफी सारी बड़ी बढ़िया चीजें दी हैं, जैसे कि 3.5mm हेडफोन जैक दिया है, साथ में आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलता है। उसके साथ आपको बॉक्स के अंदर ही वोक चार्ज 3 मिलेगा, तो डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर सकते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है सबसे ज्यादा कि डिवाइसेस के साथ फास्ट चार्जर मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल किसके पास टाइम है कि ज्यादा देर तक बैठ के डिवाइस को चार्ज करे, फटाफट से चार्ज तो होना ही चाहिए। अब इसके बाद इस डिवाइस के आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, 4GB और 8GB, और उसके साथ 4GB के साथ भी 8GB के साथ भी आपको 128GB इंटरनल मेमोरी मिलेगी। तो इंटरनल मेमोरी आपको अच्छी मिल जाती है, साथ ही आपको जो स्टोरेज है वो हमारी UFS 2.1 मिलेगी, तो मतलब कि प्रोसेसिंग आपको इस डिवाइस में काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। अब इसके बाद अगर हम बात करें डिवाइस के कुछ गड़बड़ वाले पॉइंट्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है डिवाइस का प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर हमें मिलता है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्यों डाला है ये प्रोसेसर। ये 1.5 साल पुराना प्रोसेसर है ऑलरेडी। अब आज की डेट में बंदा कोई नया फोन खरीदता है तो वो उसको 1 साल तो मिनिमम चलाएगा ही। अब 1 साल बाद अगर हम देखें तो कितना पुराना प्रोसेसर हो गया हमारे डिवाइस का। तो कंपनी को ये चीज समझनी चाहिए थी। और अभी जब स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर अवेलेबल है, जो वीवो ने यूज किया Z1 प्रो में, वो ले लेते, 730 ले लेते तो मजा ही आ जाता। लेकिन फिर भी 710 का प्रोसेसर नहीं देना चाहिए था, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था। इसके बाद जो नेक्स्ट गड़बड़ आती है वो है सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा हमें पॉपअप स्टाइल में मिलता है, यूज करने में मजेदार लगता है, लेकिन सेल्फी कैमरा जो है वो हमारा 16 मेगापिक्सल का है। मतलब कि आपके Realme U1 के अंदर भी हमें 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, वही डाल देते, आपने ऐसे ही उसको कम कर दिया और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा हमें दे दिया। मतलब आज की डेट में स्टैंडर्ड बनता जा रहा है कि 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है डिवाइसेस के अंदर। आप Honor के 20i में देखें, Huawei के P30 Lite में देखें, Vivo के Z1 Pro में देखें, या Vivo के V15 में देखें, इन सब में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और आपने 32 तो दिया नहीं, 25 भी छीन लिया और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया। भाई जब 25 दे रहे थे तो वही दे देते ना, कम करने की क्या जरूरत थी। अब इसके बाद जो अगली गड़बड़ है वो है कि डिवाइस के अंदर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो हमें बढ़िया मिल रहा है, लेकिन डिस्प्ले का साइज जो है वो हमारा बढ़ गया है। 6.53 इंच का डिस्प्ले मिल रहा है अब हमें, लेकिन साथ में जो बैटरी है वो कम कर दी गई है। मतलब Realme 3 Pro से ही कंपेयर करें तो डिस्प्ले तो बढ़ गया साइज में, लेकिन बैटरी 10% कम कर दी है, मतलब 300 mAh कम कर दी गई है। आपको इसमें मिल रही है 3765 mAh की बैटरी, और Realme 3 Pro के अंदर हमारी 4065 mAh की बैटरी थी। 300 mAh की यहाँ पे आपने बैटरी कम कर दी और स्क्रीन साइज को बढ़ा दिया है।
भाई ऐसा क्यों करा, आपका तो बैटरी बैकअप ही कम हो जाएगा, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे यूजर्स में ये डिवाइस पूरा एक दिन चल पाएगा। वैसे हम इसकी पूरी टेस्टिंग करेंगे, मैं रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट जैसे करती हूँ हर डिवाइस का, इसका भी करूँगी, लेकिन यूजेज हैवी आप नहीं रख सकते इसके साथ। अब उसके आगे अगर हम बात करें इस डिवाइस की गेमिंग के बारे में, गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 710 से एक्चुअल में गेमिंग परफॉर्मेंस हमारी 712 की ज़्यादा बेटर है, मतलब जो हमें Vivo Z1 Pro में प्रोसेसर मिल रहा है उसमें आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस इस डिवाइस के कंपेरिजन में मिल जाएगी। और वैसे अगर कुछ लोगों को गेमिंग बढ़िया चाहिए, एकदम मज़ेदार वाली गेमिंग चाहिए, तो हमारे पास एक बीस्ट आता है जिसके आगे ये सब कोई कुछ नहीं है, और वो है पोकोफोन F1। उसकी परफॉर्मेंस जो गेमिंग की है उसके आगे तो इनका कोई कंपटीशन नहीं है दूर दूर तक। तो अगर आप Realme X लेना चाहते हैं गेमिंग के लिए, तो मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए तो उसको ना लें, वो इतना बढ़िया नहीं रहेगा। पोकोफोन जो है वो बढ़िया ऑप्शन रहेगा। अगर पोकोफोन F1 नहीं लेना तो उसके अलावा हमारे पास Huawei का आता है Nova 3, वो हमारा फ्लैगशिप डिवाइस है एक्चुअल में, जिसके अंदर आपको ग्लास बॉडी मिलती है, ज़बरदस्त कैमरास मिलते हैं। डिटेल में अगर उसके बारे में भी जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए हो कि मैं इन सभी डिवाइसेस को कंपेयर कर दूँ, पोकोफोन को, हमारे Huawei Nova 3 को, हमारे Realme X को, सबको कंपेयर मैं कर सकती हूँ, मेरे पास सारे फ़ोन पड़े हैं, तो मैं सबका कंपेरिजन करके अपलोड करती रहूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको चाहिए अच्छा बैटरी बैकअप वाला डिवाइस, मतलब अगर आपकी यूजेज थोड़ी हैवी है, तो भी आपको Realme X जो है वो ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए डिवाइस लेना है, जिसको आप नॉर्मली यूज़ करो, अपना जैसे हम नॉर्मली छोटी मोटी गेम खेलते हैं, या फिर अगर हम कॉलिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं, फेसबुक इंस्टा में यूज़ करना है, तो ये डिवाइस आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इसमें आपको डिस्प्ले अच्छा मिलता है, आपको बैक कैमरा से पिक्स अच्छी आ जाएंगी, तो आपके लिए ये ऑप्शन अच्छी बन जाता है। सो ध्यान से सोच समझ के आप इस डिवाइस को लें, अगर आज की ही रात की सेल में आप इसको ले रहे हैं तो। आज रात 8 बजे इसकी सेल स्टार्ट होगी, एक स्पेशल सेल है ये, और उसका जो लिंक होगा, सेल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, लेना हो तो वहां पे जाके डायरेक्टली ले लें। और अगर अभी थोड़ा सा डाउट है मन में तो टेंशन ना लें, डिवाइस आएगा, सारी टेस्टिंग करेंगे इसकी, हम कंपेयर करेंगे हर एक डिवाइस के साथ, और फिर आप आराम से तसल्ली से ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी कि आज आ रहा है तो दोबारा सेल नहीं आएगी इसकी, आप आगे भी ले सकते हैं, जल्दबाजी का भी कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।